da 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 सरकार से पाटिल जी के नाम चिट्ठी आई है, तू डाकिया बन के पाटिल जी के यहाँ जा और एक चिट्ठी दिया। बाबा ना, उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? मैं तुझे चोरी छुपे जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से जा और बता कि डाकिया ने आपको चिट्ठी देने का काम मुझ पे सौंपा था। अगर पूछने लगे तो ही बता देना। हाँ, और उन्होंने मुझे गुस्सा किया तो बोल देना आपको चिट्ठी जल्दी मिले इसलिए डाकिया ने ये मेरे हाथों भेज दी, नहीं तो वो और जगह जाकर शाम तक आ जाएगा। देख, सरकारी खाते पाटिल जी के सिवा किसी के हाथ में मत देना। मैं इस बाजू माधोपुर जा रहा हूँ। देख, हाँ ठीक है जी, हाँ चल दे दूंगा। हाँ हाँ अरे नाम दे, कहाँ से आ रहे तू? मैं सासवड़ गया था। रास्ता मत रोको, मुझे जल्दी पहुँचना है। अच्छा अच्छा, फिर से शादी रचाने जा रहे हो क्या? मुहूर्त निकल रहा है आ? ना जी, फसलती के होते हुए कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो फिर जल्दी क्यों जाना है? कुछ तो है। डाकिया ने एक सरकारी चिट्ठी दी है पाटिल जी के लिए। अच्छा, सरकारी चिट्ठी? हमें भी तो दिखाइए सरकारी चिट्ठी होती कैसी है। नाना, डाकिया बोला सिर्फ पाटिल जी के हाथ में दे देना। हाँ, तब तो ये जरूर वो चिट्ठी होगी। हाँ वो अच्छा अच्छा हो सकती है। हाँ। हो सकती है। कौन सी रजाक बता दूँ? बता दे, अपना ही आदमी है, इसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। सुन नामदेव, हमारे देश के ऊपर हमला होने वाला है। हाँ, इसलिए सरकार ऐसी चिट्ठी भेजकर सबको सतर्क कर रही है। अच्छा, अरे परसों तो रामपुर में भी ऐसी चिट्ठी आई थी। सुन, तू जल्दी जा और ये चिट्ठी पाटिल जी को दे। सिर्फ पाटिल जी को ही देना, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए ये चिट्ठी, समझ गया? और भाग ला। भाग, 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 भाग। शंकर मामा, ओ शंकर मामा, शंकर मामा। क्या शंकर मामा? हमला होने वाला है। हमला? तुझे किसने बताया? पाटिल जी की चिट्ठी आई है सरकारी। अरे पर तुझे किसने बताया? डाकिया ने। ये ज्ञानबा को मालूम है क्या? क्या मालूम? अरे क्या मालूम, जा जा जा, बोल उसको जाके। हाँ। जल्दी जा जा, जा जल्दी। हाँ हाँ, अरे क्या कह रहा तू? देश पर हमला? हाँ। जीवन चाचा को बताया? नहीं बताया, नहीं बताया। तो चल चल, जल्दी चल। अरे भाग यहां से, भाग। सच बता रहा है तू? पाटिल भी गांव में नहीं है, देर करने से फायदा नहीं हुआ। जा जाओ, बुला लो सब गांव वालों को, बुला लो, भाग जल्दी। हमारे देश पे हमला होने वाला है। हाँ, मेरे परदादा पेशवा की फौज में थे। अच्छा, हाँ फिर बहुत बढ़िया। चलो चलो, हम अपनी आजादी कभी नहीं खोएंगे। गाँव में 2 साल पहले शेर के निशान दिखाई दिए। अच्छा, ऐसा सबको शक हुआ। हाँ। तब भी मैं नहीं डरा था। हाँ। दुश्मन अगर दिन में आए तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में आए तो मुश्किल होगी। मैं तो मास्टर जी से भी नहीं डरता, दुश्मन से क्यों डर? सब झगड़े बंद कर देने का।
क्या बोल रहे हो? हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। गांव की एक फौज खड़ी करो, सबको बुलाओ और इस वक्त जात पात धर्म कर्म कुछ भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल, हम अपनी आजादी किसी भी कीमत पर नहीं गवाएंगे। दुश्मन कहां तक आया होगा? वो देखो हवाई जहाज, हवाई जहाज भी हो सकती है। बड़ी चला गया। हाँ चला गया। बाबा जीवन चाचा, ऐसे मौके पे आपको कुछ भाषण देना चाहिए। भाषण देना आइए तो सही आप कोशिश करता हूँ। अब दुर्भाग्य से आज हमारे पाटिल हमारे बीच नहीं रहे। जीवन चाचा ऐसी बात नहीं कहते। अरे मतलब वो नहीं है भाई। बात दरअसल ये है कि वो कोर्ट के उलझन में फंसे हैं ना, तो उसको सुलझाने के लिए, पिछवाड़े के दरवाजे से सुलझाने के लिए वो गांव चले गए हैं। तो क्या हुआ? हम जो हैं हम नहीं डरते, हमें हिम्मत से ही काम लेना होगा। आसमान से कोई दुश्मन हमला कर रहा है क्या? जीवन चाचा क्यों ना वो हम सरकारी कागज गांव के सामने एक बार पढ़े। हाँ पढ़ो, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पढ़ो। हाँ क्यों नहीं, पढ़ो पढ़ो। पढ़ो हाँ, पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या है? पढ़ो। कौन मैं? अरे वो फतवा मेरे पास कहाँ है? पढ़िए पढ़िए। क्या मेरे पास भी नहीं है? तो फिर किसके पास है वो फतवा? मेरे पास भी तो नहीं है। किसके पास है? वो क्या मालूम किसके पास है? वही तो बोला। अरे भाई हमले की बात किसने कही? हाँ किसने कही? मुझे तो नामदेव ने बताई ये बात। कहाँ है नामदेव? किसी ने देखा नामदेव को? सुबह देखा था। अरे थोड़ी देर तो पहले यहाँ था वो। गजो हम तुम्हारी एक आदमी समिति इस काम के लिए नियुक्त करते हैं, वन मैन कमीशन। जाओ और वो नामदेव जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, उसे घसीट कर यहां ले आओ। मैं? शंकर मामा हाँ। ये संभालो। हाँ मैं आया। हाँ। चाचा जी मैं आता हूँ। नामदेव, ए नामदेव, नामदेव चलो, तुम्हें जीवन चाचा ने बुलाया है, चलो। अरे? अरे अपने देश पे हमला होने वाला। चलो चलो। अरे वो खत कहाँ है? खत कहाँ है वो? अरे मैं बैठे बोला पाटिल पाटिल जी को दे रहे हैं। अरे ये क्या? जीवन चाचा वो सरकारी कागज मिल गया। अच्छा लाओ लाओ, देख तो लू। हाँ देख लू, देख लू। हाँ ऐसी कहा है मेरी? हाँ, ये तो बिल्कुल सरकारी कागज है।
अरे अरे ये तो किसी हमले से भी भयानक है। तुम पढ़ो। अरे बाप रे, हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन चाचा, दो मिनट शांति रखनी है क्या? अरे भाई, किसी के परलोक सिधारने से भी ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है। गांव की नेला और बिजली बंद होने वाली है क्या? क्या बस बंद हो रही है क्या? हाँ, फिर इससे भयंकर क्या बात हो सकती है? भैया आगे चल के हमारी पंचायत में 30% औरतें होंगी। हाँ, लेकिन हमारी पंचायत में तो 30 पंच भी नहीं है। अरे गज्जू, कुल मिलाकर 30 नहीं, 30%। हाँ, यानी अगर गांव में 100 पंच होंगे तो उसमें से 30 महिलाएं होंगी। हाँ गज्जू, अगर पंचायत में 10 पंच हो तो उसमें 3 औरतें। अरे घर में एक औरत हो तो कितनी उल्टी सीधी बातें होती है। फिर तो पंचायत में कोई निर्णय भी नहीं होगा। हाँ, और ये औरतें, जीवन चाचा अभी बताओ, कभी एक होकर कोई निर्णय लिया है इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ये निर्णय बिल्कुल मंजूर नहीं है। जीवन भाई, ये हमें निर्णय मंजूर और नामंजूर होने से क्या फर्क पड़ता है? ये सरकार का जो हुक्म आया है। सरकार हमें ऐसा हुक्म नहीं दे सकती। हाँ, हम सरकार को बताएंगे। हाँ, इस मामले में तुम्हारी और हमारी नहीं जमती। नहीं, हाँ। हाँ। अरे हमने क्या धूप में बाल सफेद किए? क्या मतलब है आपका? हाँ? आपके बाल क्या आपकी औरतों ने सफेद किए हैं? अरे तू समझाएगा नहीं अभी, जैसी जैसी तेरी उम्र बढ़ती जाएगी वैसी वैसी तेरी आंखें खुलती जाएगी। हाँ, मगर अब क्या करने की सोच रहे आप? ये मामला तो बिल्कुल टेढ़ा ही हो गया। देखिए, जब भी कभी हमें टाइम मिलता है तो हम पंचायत में आके बैठते हैं। अब ढेर सारे मामले होते हैं, हमें सुलझाने पड़ते हैं, और ये भी अगर पंच बन गई तो काम कौन करेगा? और फिर घर में खाना कौन पकाएगा? तो हा? अरे बच्चों की भी तो देखभाल करनी पड़ती है। हा? ये मुर्गी, गाय, भैंस, इन सबको भी देखना होता है, और साथ में खेतों की भी देखभाल ही करनी पड़ती है। अनाज सुखाना होता है, घर की सफाई का काम होता है। बिल्कुल, और अगर ठीक तरीके से जीना है तो परिवार के 100 काम होते हैं। सही बात। जीवन चाचा, मैं एक तरकीब बताऊं? बोल, क्या बोलता है तू? जब तक पाटिल जी शहर से वापस नहीं आते तब तक हम बोलेंगे ये कागज हमें मिला ही नहीं। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। क्या मतलब है तेरा? मतलब आपकी भी चुप और हमारी भी चुप। हाँ, वो ठीक है। ये कैसी चिट्ठी है? वो सरकारी। अच्छा, क्या क्या लिखा है? वो 30-30। क्या फिस कर रहे हो? इनके कान तो हमसे कोसों मील दूर रहते हैं। क्यों बेरा बाबा? सब बोलो भारत माता की जय, अंधे आदमियों की जय। अच्छा भैया, अब थोड़ी सी चीनी देना और थोड़ा सा नमक, दो अलग अलग पूड़ियों में। नमक अलग अलग पूड़ियों में बांध कर, चीनी अलग अलग पूड़ियों में बांध कर, और वो कुमकुम की शीशी वो कागज में बांध कर, और चाय पत्ती वो भी कागज में बांध कर, और तुम्हारी क्या बोलती वो बिंदिया वो भी कागज में बांध कर, है ना? और ये सब तीन अलग अलग पूड़ियों में बांध कर देना। क्यों? और कागज भी बड़े बड़े होना चाहिए, और फोटो वाले नहीं, वो कौन से, अखबार वाले, बड़े बड़े अक्षर, साफ सुथरे, है ना? हाँ, लेकिन शंकर मामा आप कैसे जानते हैं? हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे को लड़के ने सब बता दिया है। हाँ, और कागज का अलग पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ। क्या मतलब? मतलब साफ है भाभी, तुम्हें कागज चाहिए पढ़ने के लिए तो सीधा मांग क्यों नहीं लेती? मांगने से दे देते? बिल्कुल नहीं। तो फिर? तो फिर क्या,
अब मांगने से भी नहीं और चोरी छुपे भी नहीं। अरे तुम औरतों ने तो मेरे दुकान की रद्दी सारी हजम कर डाली। अरे छोटी छोटी चीजें लेने के लिए आती हो और सारी रद्दी गायब करके ले जाती हो। हाँ ठीक है, मुफ्त में मांग रही हो ना, अपमान तो सहन करना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा है, अच्छी सजा मिली हम भिखारियों को। नहीं चाहिए तुम्हारा कागज। अरे भाभी सुन तो, तेरा सामान तो लेती जा भाभी। उड़ती हुई बूढ़ी हम औरतें तो हमेशा भिखारी की भिखारी रहेगी, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाली। क्या हुआ रे लक्ष्मी? क्या पागलों जैसी बात कर रही है? इतना गुस्सा ठीक नहीं। क्या हुआ दीदी बताओ ना, मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी। मैं तुम्हें ये कागज दिखाना चाहती थी, इसमें खबर आई है एक धोखेबाज सन्यासी लोगों के पैसे हड़प कर रहा था, और हम ये भी तो पढ़ने वाले थे, ये बारिश की कविता। तुम्हें ये कागज कहाँ से मिला? अरे ये भी कोई बात हुई? मैं जब भी बनिया के यहाँ जाती हूँ, जानबूझकर पुड़ियों में बंधा हुआ माल ही लाती हूँ। मैंने दिया था वो कागज उसे। परसों मैं साबुन लाई थी दुकान से, वहीं से ये कागज मिला। यही तो मैं कह रही हूँ ना, कोई पेट की भूख के लिए झोली फैलाए तो कोई दिमाग की भूख मिटाने के लिए हाथ पसारे। मैं समझ गई, जरूर बने ने कुछ भला बुरा कहा होगा, है ना दीदी? तो बनिया ने कागज देने से इनकार कर दिया ना मेरी वजह से। अरे पिछले 3 दिन बहुत सारे कागज हड़प कर दिए उसकी दुकान से यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा अरे लक्ष्मी अब इतनी सी बात के लिए तो क्यों इतना परेशान हो रही है हा? और नहीं तो क्या? ये बात नहीं है माई, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराने टुकड़े पढ़कर हम लोग पढ़ने का मजा तो जरूर लेते हैं, मगर आज की दुनिया से तो पीछे ही रहता है ना। ठहरिए, जो हिसाब किताब लिखता है उसे क्या कहते हैं बताओ तो? उसे मुनीम। क्यों? हाँ। तो मैं मल्ली की मुनीम हूँ ना? हाँ। तो ठहरिए, ये तो हमारे हिसाब की चौपड़ी है। हाँ। जल्दी से बताना क्या कह रही है। मजूरी, सामान, सामान का भाड़ा, ये सब जाके हमारे पास इस महीने में 1010 रुपए बचे हैं। रहने दो रहने दो, किसी को जरूरत पड़े तो शादी वादी में ले सकता है। हाँ। अब गंगा मई शादी ब्याह में लगे या बीमारी में लगे, इसीलिए तो बचा के रखते ना हम ये पैसे। तो भी इसमें से अगर हर महीने 50 रुपए निकाले जाए तो ज्यादा नहीं है? तो क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कल से सहकारी मंडली की तरफ से हम अखबार खरीदेंगे। अच्छा? हाँ सचमुच जरूर खरीदेंगे अखबार। अच्छा अखबार हम खरीदेंगे और फिर जब भी बेचेंगे उस बनिए को ज्यादा दाम लगा के। अरे पगली, अखबार लेंगे पढ़ने के लिए, मुझे तो चोरी डकैती की खबरें पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और मुझे भी। हाँ। बस यही समझेंगे कि 50 रुपए मुनाफा कम हुआ। क्यों? हाँ। हम मेंढरों में से। मेंढर क्या? मेंबर? हाँ वही, हर एक को 2.5 रुपए सिर्फ देने पड़ेंगे और बदले में रोज अखबार पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, तो कल से कतरिया अड्डे पे अखबार आएगा। अरे नानी बहू, मच्छिंदर गोविंद देखो तो अखबार आया है।
भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।